आई एम नॉट कम्फर्टेबल टू टॉक अबाउट दिस बट एंड वेन स्पेशली यू आर अलोन एंड नो पार्टनर एंड यू आर टॉकिंग अबाउट सेक्स इट्स रियली डिफिकल्ट बट क्योंकि ये सब्जेक्ट हम इस पे बात कर रहे हैं तो मैं बताती हूँ कि क्या होता है इस जर्नी में। अवेकनिंग से पहले आपको कुछ भी नहीं पता चलता, मतलब आपका ट्विन आपके पास भी रह रहा हो, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं, क्या सोच रहा है, उतना नहीं पता चलता आपको। अगर वो कुछ आपके लिए सोच रहा है और आपको मैसेज स्ट्रांगली देना चाहता है तो ज़रूर वो मैसेज मिलता है, पर जनरली उसके लाइफ में क्या हो रहा है, मतलब मैं जब इतने पास थी फिर भी जो मुझे कुछ भी खबर नहीं थी, नथिंग, कुछ भी नहीं। वो मतलब इतने साइड में ही, जैसे शिरडी एक ही गांव में थे, बट हम मतलब हमने शक्ल भी कभी नोटिस नहीं की एक दूसरे की। बट जब अवेकनिंग होती है तभी ये शुरू हुआ हमारे साथ। तो बाकियों के साथ एग्जैक्टली क्या होता है मुझे नहीं पता, बट थोड़े से एक्सपीरियंस बताती हूँ कि देखो, पहले जब जब इनकाउंटर होता है और हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है, जैसे ही हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है ये दोनों के जैसे नाल एक हो जाती है, जैसे माँ और बच्चे की होती है ना, तो बच्चा घूम रहा है क्या कर रहा है माँ को पता चल जाता है, तो उसी तरह से जो है एक दूसरे के लिए इनको एंजल्स मैसेज पहुँचाते हैं। और जैसे बहुत सारी चीज़ें इनमें एक जैसे हो सकती है, अगर एक पार्टनर सेक्स कर रहा है, सेक्स की फीलिंग उसको आ रही है, तो इधर डिवाइन फेमिनाइन को समझ में आता है कि मेरा पार्टनर जो है सेक्सुअल चीज़ों में है इस वक्त, तो वो अगर एंग्री भी है तो भी उसको समझ में आता है, और वो जो है दुनिया से छुप कर वो इनसाइड मस्त मस्त आपको प्यार करता है और जो है बता नहीं सकता, वो भी पता चल जाता है। तो वैसे तो डिवाइन फेमिनाइन को सभी लोगों की बातें पता चल जाती है, सिर्फ अननोन लोग होते हैं उनके चेहरे नहीं दिखाई देते, तो कहीं ना कहीं यही मैसेज होता है कि पर्सन अननोन है, उसका चेहरा आप नहीं जानते, ऐसा कुछ। बट यहाँ जब कनेक्शन ज्वाइंट हो जाता है हार्ट टू हार्ट तो इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो जाता है और टेलीपैथी जो है स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में तो एग्जैक्ट समझ में नहीं आया, बट इंट्यूशन हुआ कि ये जो है सेक्स है, मतलब सेक्स दिखाई नहीं दिया बट ऐसा लगा कि कोई किसी के साथ सेक्स कर रहा है। बट अगर वो किसी के साथ सेक्स कर रहा है आपको क्या फर्क पड़ता है, मतलब यही हुआ ना, तो मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाई। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई पर्सन जो है सेक्स कर रहा है किसी के साथ, बट उसके कान में जो जैसे कॉर्ड्स डालते हैं ना, एक कान में एक कॉर्ड, दूसरे कॉर्ड कान में दूसरा कॉर्ड, तो मैं जैसे कॉर्ड्स जुड़े हुए हैं तो दोनों कानों के जो है एक बॉडी के साथ कॉर्ड्स जुड़े हुए हैं तो दोनों कानों को सुनाई दे रहा है, ये एक मैसेज था। बट कर एक पर्सन रहा है, मतलब समझ रहे हो, पर्सन एक है बट उसके कान दो है, दो कान में दोन कॉर्ड्स है, मतलब जो है एंजॉय वो कर रहा है बट आपको यहाँ समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, मैसेज मिल रहा है। तो आपको ऐसा फील होता है कि जैसे कोई, मतलब आपको एग्जैक्टली क्या समझ में नहीं आता, एक तो आपको ऐसा लगता है कि क्या आप सेक्स कर रहे हो, फिर आप सोचते हो नहीं मैं तो नहीं सेक्स कर रहा, फिर कोई सोचता है कि क्या मेरे साथ कोई सेक्स कर रहा है, नहीं, मेरे साथ भी कोई नहीं कर रहा, क्या मैं किसी के साथ कर रहा हूँ वो भी नहीं कर रहा, तो एग्जैक्टली क्या है ये, तो फिर उस टाइम पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। बट जैसे मैंने कुछ डिवाइन फेमिनाइंस के वीडियो सुने तो उसके बाद मुझे समझ में आया, और एक्चुअली पहले ही समझ में आ चुका था बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया। तो और एक रहता है कि वो कहीं और जाए, मतलब किसी समझ लो, क्योंकि वो जाता है ना, बहुत ऐसा होता है डिवाइन मैस्कुलाइंस जो होते हैं उनके काफ़ी कनेक्शंस होते हैं, या ऐसा कहने में मुझे बुरा लग रहा है बट मैं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए नहीं कहती है, बट कुछ डिवाइन मैस्कुलाइंस जो होते हैं वो ऐसी जो औरतें पैसे देकर, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मुझे ड्रीम्स में कुछ मैस्कुलाइंस ऐसे दिखे, मतलब जैसे उनके प्यार के बारे में आपको बताया जाता है, उनके उनके साथ क्या क्या हो रहा है पता चल, उनके हर एक नेचर, जैसे उनका आरोग्य खराब है तो वो भी पता चल जाता है, तो इंटेंसिटी भी पता चल जाती है कि दिस पर्सन इज वेरी इंटेंस इन अबाउट दिस, तो वो किसी और के साथ है और कितना इंटेंस है वो भी
दिख सकता है ड्रीम में। ये ज़्यादा मुझे फील नहीं हुआ, बट एक बार ऐसा आया कि समय, और मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ और मैंने इस चीज़ को कभी फेस नहीं किया है। और तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बैठी हूँ और मुझे ये सब दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, फील हो रहा है, जैसे मैं मेरी ही बॉडी कहीं और जाके कुछ कर रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि डिवाइन फेमिनाइन जो होती है बहुत प्योर होती है, तो उसको इन चीज़ों से मैं थोड़ा सा कम अट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। ये बहुत कूल रहती है, वो बहुत मतलब एक्टिव रहता है उस चीज़ में, अपोजिट रहते हैं एकदम। तो एक समय ऐसा आ जाता है कि असहनीय हो जाता है ये सब जो है, कि मुझे ये गंदा मतलब ऐसा लगा कि मुझे क्यों ये दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे लोग सेक्स करते हैं, तो मुझे इन्हीं का क्यों आप समझ सकते हो, तो मैं ये नहीं देखना चाहती, मुझे ऐसा लगा। और मैं सोचती थी कि वह ठीक है, मेरा काउंटर पार्ट है, ठीक है, इतने साल तो वो इतने लड़कियों के साथ होगा, अब मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे क्या करना है, वो कहीं भी जाए, सेक्स करे, वो करे, बच्चे पैदा करे, आई डोंट केयर, जिसके साथ जाना चाहे उसके साथ जाए, ऐसा मैं सोचती थी और बिंदास रहती थी, खुश रहती थी। बट क्या होता है कि आपको नहीं पता होता है कि आपका काउंटर पार्ट है, तो गॉड को ये मैसेज देना होता है कि देखो इसके जो ये जो है ये प्रॉब्लम्स है। तो जब आपकी सोल कंप्लीट हो जाएगी और मतलब तो वो भी इस चीज़ से जो है बाहर निकल आएगा। एक समय ऐसा आता है कि डिवाइन फेमिनाइन की आत्मा जो है एकदम चीखने लग जाती है, कि उसको जो है मतलब वो जो नहीं देखना है वो देखना पड़ रहा है, जो नहीं महसूस करना है वो महसूस करना पड़ रहा है, जैसे कि वो किसी के साथ सेक्स कर रही है या उसके साथ कोई कर रहा है, वो या उस क्रिया में वो इन्वॉल्व है, ऐसा उसको दिख रहा है। तो जबकि वो जो है एकदम प्योर सोच वाली होती है और वो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में रहती है, वो गाने भी ऐसे उसे देख लेती है, बस मज़े के लिए देख लेती है, उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहता। वो भी सारी जानकारी रखती है, वो भी उसको भी पता है पॉर्न क्या होता है, उसको भी सब पता है, बट वो जो है उन चीज़ों में उतनी उसकी बॉडी जो है उन चीज़ों में एक्टिव नहीं होती है। अदर फेमिनाइन के मुकाबले बिल्कुल ज़ीरो कह सकते हो आप, इसीलिए वो जो है उसको सजना धजना इन चीज़ों में जो है ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। कभी के लिए वो सज लेगी धज लेगी जब मूड आएगा उसका, और जब मूड आएगा तो सन्यासी भी बन जाएगी, तो उसका वो जब मूड आएगा तो लड़कों जैसे भी बन जाएगी, तो अलग अलग कलर उसके रहते हैं। कभी भी वो जो सज्जी धज्जी 24 घंटे हर वक्त 12 साल 13 साल या मतलब सालों साल वो वही नहीं करती, उसके अलग अलग मूड होते हैं। जब उसको लगता है कि उसको मेकअप करना है तो कर लेगी, बाद में उसको फेंक के चली जाएगी, बट कंटिन्यूसली वो नहीं कैरी कर सकती। तो एग्जैक्टली कह सकते हैं कि रोमांटिक होती है बट अदर वे, जैसे म्यूजिक सुनकर रोमांटिक होना, जैसे ख्यालों में रोमांटिक होना, जैसे किसी से प्यार से बातें करना, तो ये उसका टाइप हो सकता है। बट कोई डिवाइन फेमिनाइन मतलब सपोज आप समझ लो कि आपका डिवाइन मैस्कुलाइन जो है मैरिड है और आप सिंगल हो और आपने सोच लिया कि आप जो है सिंगल ही रहोगे। जब आपने सोच लिया है कि आप सिंगल रहोगे, सन्यासियों की तरह रहोगे, इन चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लोगे, तो अचानक आपको जो है वो फेस करना पड़ रहा है। जब ऐसा नहीं कि नींद में ही आपको समझ में आया, दिन में भी समझ में आता है, तो उस टाइम पे बड़ा ही मतलब क्या कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कि हमको ये जो है ज़बरदस्ती दिया जा रहा है, मतलब क्योंकि वो क्या कहते हैं, जैसे आपके सामने कोई पॉर्न की मूवी ज़बरदस्ती लगा दी हो और आप जो हो उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आपके वो संस्कार नहीं है कि आप जो हो ऐसा कुछ देखो। तो जब मुझे लगता है ये समय तब आया था जब डिवाइन फेमिनाइन जो है एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होती है कि ये मेरा काउंटर पार्ट है और ये जो है सचमुच मेरा पार्टनर है। तो उस टाइम पे जब उसको ये सब दिखाया जाता है और वो बार बार उस चीज़ को जो है देख लेती है, उसको समझ में आता है कि कोई और कर रहा है लेकिन इसके बॉडी को मतलब सेंसेशंस ऐसा नहीं कह सकते सेंसेशन, क्योंकि सैक्रल चक्र उसका तभी भी खुला नहीं होता है, इसीलिए उसको सेंसेशंस तो नहीं आते,
बट उसको वो अचानक से, मतलब जैसे सुबह उठे हो आप पूजा के मूड में हो और आपको, हाँ फिल्म देखते वक्त आपको सो थोड़ा सा रोमांटिक लगा, वो अलग बात है। आप पूजा के लिए बैठे हो और आपको ये सब समझ में आ रहा है तो आपको कैसा लगेगा? आप भगवान की पूजा कर रहे हो, उनको कुमकुम चढ़ा रहे हो और ये सब आपको दिखाई दे रहा है तो आपको कैसा लगेगा? तो आत्मा कहीं ना कहीं चीख पड़ती है कि मुझे ये नहीं जानना, मुझे ये नहीं समझना और मुझे नहीं देखना ये सब। फिर जाकर वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है कि हाँ हाँ ये मेरा काउंटर पार्ट है। अगर वो उस चीज़ का आनंद लेता है तो उसके इफेक्ट इधर होते हैं, मतलब उसके कर्मा जो हो रहे हैं वो डिवाइन फेमिनाइन को भुगतने पड़ रहे हैं। मतलब वो गलत कर्म करेगा तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ फर्क जो है डिवाइन फेमिनाइन पर भी पड़ेगा, मतलब उसके गलत कर्मा का जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन को भी भोगना पड़ेगा। तो वो कर रहा है तो डिवाइन फेमिनाइन को जैसे जो है उसकी सब पता चल रहा है, सब ये हो रहा है, तो वो उसके लिए बहुत ही ट्रेजेडी हो जाती है उस टाइम पे, जो कि वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। तो तब जाकर कहीं ना कहीं वो खुद से प्रॉमिस करती है खुद से प्रॉमिस करती है कि शायद मैं इनर वर्क करूँगी, शायद मैं भगवान से वो टूट कर प्रार्थना करूंगी कि नहीं अगर ऐसा है कि हर टाइम मुझे ये देखना पड़ रहा है तो भाई नहीं, मैं मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकती इस चीज़ को और मेरी सोल, मतलब मेरी सोल ये काम नहीं करेगी, मतलब मैं खुद, बट वो तो है दूसरी बॉडी में, अदर हाफ है और इतने साल तो है वो वहीं पे है, बट अभी क्यों आपको ये हो रहा है? तो जो भी है देखो, अगर आपके एक हाथ पे मच्छर बैठा है तो दूसरे हाथ को क्या फर्क पड़ता है, फिर भी दूसरा हाथ ऑटोमेटिक उस मच्छर को जो है मार देता है क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो सेम यही होता है कि अगर आपका पार्टनर दूसरे के साथ सेक्स करता है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपको ही किसी ने पकड़ा है, उस टाइम पे कहीं ना कहीं आप जो है खुद से प्रॉमिस करते हो कि मैं अपनी आत्मा को, क्योंकि मुझे भोगना पड़ रहा है तो मैं अपनी आप को, इस आत्मा को इस चीज़ से जो है आज़ाद करूँगा, छुटकारा दूंगा। तो आप ईश्वर से जो है प्रार्थना करने लगते हो कि हे ईश्वर मुझे बचाओ, मुझे ये क्यों बर्दाश्त करना पड़ रहा है, मुझे ये क्यों सहना पड़ रहा है, तो मुझे इस चीज़ से निकालो बाहर। तो उस और मैंने फिर प्रॉमिस किया गॉड से कि यस मैं इनर वर्क करूँगी, मैं जो चाहे वो करूँगी, बट मुझे ये मत दिखाओ, मुझे नहीं देखना, मुझे मत दिखाओ। तो ये ऐसा होता है। और कुछ बार हुआ कि वो दो तीन तीन आई थिंक तीन तो बार मुझे याद है, बाकी के कुछ ड्रीम्स में भी दिखाई देता है, कुछ ऐसा होता है। बट जब आप जैसे मुझे बदबू आई और मुझे बर्दाश्त नहीं हुई ब्लैक मैजिक की वजह से, तो सब कुछ करके देख लिया, घर धो के देख लिया, सब कुछ करके देख, जब बस में ही नहीं रहा तो ईश्वर से जो है आत्मा टूट कर प्रार्थना करती कि हे ईश्वर मेरी मदद करो, मुझे इस बदबू से बचाओ। तो उसी तरह से जब आपका काउंटर पार्ट किसी और के साथ कर रहा होता है तो डिवाइन फेमिनाइन भी यहाँ कहीं ना कहीं चीख पड़ती है कि हे ईश्वर मुझे बचाओ, मुझे इस चीज़ से बचाओ ऐसा उसको लगता है। और